नमस्कार दोस्तों, रीएजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। करंट अफेयर्स और न्यूज डेस्क के अंतर्गत आजकल की कुछ महत्वपूर्ण जो घटनाओं को हम लोग जो कि परीक्षा पे होगी उसको देखने का प्रयास करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज अभी हाल में ही आई है गोवा राज्य के लिए कि वो देश का जो है पहला ऐसा राज्य है जो खुले में शौच मुक्त होने वाला जो है राज्य है। इसके पहले कई ऐसे गाँव की चर्चा हुई थी, कई ऐसे जिले की चर्चा हुई थी, तो खुले में शौच मुक्त होने वाला पहला राज्य का जो एक न्यूज है वो गोवा है। खुले में शौच मुक्त होने वाला जो पहला राज्य है उसके लिए एक सूचना आई है कि ये गोवा जो है पहला राज्य जो इस तरीके से है। अभी हाल में जो है राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव है, ये रायपुर में हुआ है और रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी है। छत्तीसगढ़ ये जो है जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न जो है एक दूसरे को जोड़ करके आप लोग देख सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तमिलनाडु में एक योजना सरकार के द्वारा चलाई गई है, एजुकेशन एट योर डोर स्टेप, यानी कि एजुकेशन एट योर डोर स्टेप, एजुकेशन एट योर डोर स्टेप यह योजना जो है चलाई गई है। यह एजुकेशन एट डोर स्टेप योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो है चलाई गई है तमिलनाडु में शिक्षा को जो बढ़ावा देने के लिए और कोविड जैसे विकट जो है परिस्थितियों में शिक्षा को लोगों तक जो है पहुंचाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, उनके स्तर को बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया गया है। और अभी हाल फिलहाल में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है अमृत महोत्सव, अमृत महोत्सव चलाया जा रहा है। यह अमृत महोत्सव किस लिए चलाया जा रहा है? अमृत महोत्सव जो है वो स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर चलाया जा रहा है और इस अवसर पर अमृत महोत्सव पॉडकास्ट जारी किया गया है और यह जो है संस्कृत मंत्रालय के द्वारा जो है जारी किया गया है। तो इसे ये सब ध्यान में रखना होगा कि अमृत महोत्सव जो है क्या है, 75 वर्ष की स्वतंत्रता के वर्षगांठ पर चलाया जा रहा है। संस्कृत मंत्रालय के द्वारा अमृत महोत्सव पॉडकास्ट जो है जारी किया गया है। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण जो न्यूज है कि फेसबुक का नाम बदल करके मेटा रख दिया गया है और ये मेटा नाम जो है एफबी का एक कॉमर्शियल नेम रखा गया है। तो इसे भी जो है आप लोगों को समझना होगा। बेसिकली यह एक महत्वपूर्ण जो है सामाजिक जो है प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए यहाँ से भी जो है एक इंटरेस्टिंग जानकारी इसको रखना जो है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। एक शक्ति एक्सप्रेस चलाया गया है, अभी हाल फिलहाल में जो है शक्ति एक्सप्रेस चलाया गया है और यह शक्ति एक्सप्रेस जो है भारत की पहली पूर्ण इकोनॉमी 3 AC tier जो है ट्रेन है। तो इसलिए भी यहाँ से सवाल बन सकते हैं, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, यानी कि भारत की पहली पूर्ण इकोनॉमी AC 3 tier ट्रेन जो है वो शक्ति एक्सप्रेस या गत शक्ति एक्सप्रेस के नाम से जिसे जाना जाता है। अमेरिका दुनिया में जो है एक ऐसा देश है जिन्होंने जो है महिला और पुरुष से भिन्न एक्स जेंडर वाले पासपोर्ट को जारी करने वाला देश बन गया है, यानी कि एक्स जेंडर से संबंधित पासपोर्ट जो कि पुरुष और महिला से भिन्न जो है जेंडर की बात करता है उसके लिए जो जारी किया गया है जिसे कहा जाता है एक्स जेंडर जो है पासपोर्ट। इसी के बीच एक और इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है वो यह है प्रो के मालिक अजीम प्रेम जी के द्वारा जो है वार्षिक रूप से लगभग 10,000 करोड़ रुपए का जो दान दिया जाता है और अगर प्रतिदिन के हिसाब से देखा जाए तो प्रतिदिन ये लगभग 27 से 28 करोड़ रुपए का दान देते हैं और इस दान के साथ ये पूरे देश में जो है दान करने वाले व्यक्तियों की सूची में शीर्ष स्थान पर बनते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये फैक्ट कैसा लगा लेकर के जरूर बताइए। तो ये थी आजकल के कुछ महत्वपूर्ण जो है कवरेज जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए आप लोगों को जानना जरूरी है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, पुनः अगले लेक्चर में कुछ नए महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।